तो इस वीडियो में आपको मैं दिखाऊंगा कि जो मैं जनसोलर का वायर लगाने के बाद और ये मैं टेम्पररी सेटअप किया हूँ, दोनों के करंट में क्या अंतर होगा, ठीक है। उसका मैं रेजिस्टेंस चेक भी करवा दूँगा कि दोनों कितना है। इसका तो है ही नहीं, मतलब बहुत ही कम रेजिस्टेंस है। इसका मैं चेक करवा दूँगा, करंट डिफरेंस भी दिखा देता हूँ आपको। तो देखिए, सेटअप कर लिया है इसको, तो मैं परमानेंट कर दिया हूँ। ये टेम्पररी टाइप का है अभी टेस्ट करने के लिए, तो मैं आपको दिखा दूंगा। ये जो वायर है आपको, ये जोड़ा साथ में आता है, ये आपको मार्केट में 10 रुपये 12 रुपये मीटर मिल जाएगा, और ये तो आपका बहुत ही महंगी होती है, ठीक है। चलिए टेस्ट परफॉर्म करते हैं, धूप में रखते हैं सोलर को और दिखाते हैं आपको। देखिए दोस्तों, फाइनल सेटअप हो गया है। ये जो वायर है जनसोलर वाली, ये इस वायर से लगभग 1 मीटर लंबी है, ठीक है। तो मतलब ये मेरा जो वायर है पुराना वाला, ये एसी वाला जो वायर आपको बोलते हैं, ये 4 मीटर लेंथ होगा। मतलब जब ये 5 मीटर है, 1 मीटर ज़्यादा है, तो मतलब ये 4 मीटर की लेंथ है। 4 मीटर में अब मैं क्या करूँगा, देखिए ये सेटअप बना दिया मैंने, वो ढक्कन खुला हुआ है इसका, ठीक है। और इसको सोलर में धूप में दे दिया हूँ, तो एक बार धूप आ रही है। इसको क्या है, मैं एकदम पूरा साइमल्टेनियस टेस्ट करने की कोशिश करूँगा, ठीक है, जिसमें कि करंट का ज़्यादा अंतर ना हो। और धूप भी अभी आ ही रही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें क्या है दोस्तों, दोनों तार जो है आपका, वो दोनों कनेक्टेड है सोलर में, ठीक है। जिसमें भी आप टेस्ट करेंगे उसमें आपको वोल्टेज मिलेगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, दोनों जो मल्टीमीटर है मेरा, ये दोनों सेम है। पहले एक में क्या करूँगा, ये जो पुराना एसी वाला है उसको मैं इसमें वोल्टेज करंट नापूंगा, और जो नया वाला है तार है उसको इस मल्टीमीटर में वोल्टेज करंट नापूंगा, ठीक है। साइमल्टेनियसली देखते हैं कितना करंट वोल्टेज दिखाता है। अगर आपको डाउट हो तो मैं इसको चेंज भी कर दूँगा कि अलग अलग कितना रीडिंग कौन, ऐसा तो नहीं कि ये दोनों मल्टीमीटर अलग अलग रिजल्ट शो करे, तो वो मैं एक्सचेंज भी करूँगा। तो वीडियो के साथ बने रहिए, देखते रहिए आगे। देखिए दोस्तों, मैंने सेटअप कर लिया है। अब जैसे मैं बताया था, एसी वायर में मैंने एक मल्टीमीटर लगा दिया है, देख पा रहे हैं आप लाल काला, और इधर जो डीसी आपका सोलर वायर है इसमें मैं एक मल्टीमीटर लगा दिया हूँ। इस मल्टीमीटर का पोर्ट निकल गया है, तो ये इसे जोड़ दिया है, इसको भी जोड़ दिया है, ठीक है। तो चलिए भगवान के नाम लेके इसको वोल्टेज टेस्ट करते हैं। ये देखिए वोल्टेज में ही लगा है दोनों, ठीक। इसको 20 वोल्ट में देखते हैं, इसको भी फटाक से 20 में देखते हैं। देखिए वोल्टेज कितना आ रहा है, 18.53 दिखा रहा है। ये आपका ओपन सर्किट वोल्टेज है इस वाले, ये है नए सोलर वायर का, ठीक। ये आपका डीसी वायर का। तो चलिए काम करते हैं, ये तो आपने देख लिया, इसको इंटरचेंज करते हैं फटाक से। तो मतलब देखिए 0.46, मतलब 0.47 मान लेते हैं, और इसका 0.54 मान लेते हैं। अभी देखिए कितना डिफरेंस है, ये 0.07 वोल्ट का इसमें डिफरेंस आ रहा है। तो एक काम करते हैं, इसको इंटरचेंज करते हैं मल्टीमीटर। तो मल्टीमीटर चेंज करने के लिए इसको हम कुछ नहीं करेंगे, इसको इसके पोर्ट को यहाँ यूज कर लेंगे, तो ये आपका दिख जाएगा। अलग कर दिया, सर, और इस रेट को देखिए 18.46 ही आ रहा है ये, और ये आपका आ रहा है 18.59, तो ज़्यादा हो गया। तो ये अभी डिफरेंस देखिए 0.15 का आ गया ये। तो वोल्टेज से ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है, ये क्या है मल्टीमीटर का इधर है दोनों में, ठीक है। तो आपको मैं बताऊंगा बाद में क्या कंक्लूजन निकलेगा। चलिए इसका शॉर्ट सर्किट करते हैं, यही मेन है। शॉर्ट सर्किट करने के लिए दोस्तों एक चीज़ है कि एक ही बार में एक ही शॉर्ट सर्किट कर सकते हैं, दोनों को नहीं कर सकते। दोनों को भी करके देखते हैं कैसा क्या होता है। चलिए वीडियो के साथ बने रहिए। देखिए दोस्तों, मैंने सेटअप कर लिया है फिर से, अब करंट टेस्ट की बारी है। तो ये आपका एसी वायर का है, ठीक है। ये वाला मल्टीमीटर एसी का है,
ये आपका सोलर वायर से कनेक्ट हो जाएगी। अब इसमें अभी हम कनेक्ट करेंगे, शॉर्ट सर्किट करंट दिखाएगा आपको। इसमें करेंगे एसी वायर से, देखिए कितना आ रहा है। कनेक्ट करते हैं, देखिए अभी आ रहा है 0.85 0.8687 हो गया। ठीक है, फटाक से डीसी वायर वाले को कनेक्ट करते हैं, 0.85 है। और इसमें करते हैं, देखिए 0.9 हो गया। तो ये तो रहा डिफरेंस दोस्तों, 0.91 और इसमें 0.85। देखिए फटाक से, अरे इसमें अभी क्या है, सोलर क्या है दोस्तों, ये कम ज़्यादा होते रहता है। तो शॉर्ट सर्किट करंट में भी देखिए, इसमें 0.88 हुआ। फट से इसको करते हैं 0.9, मतलब 0.02 एम्पियर का अंतर है दोनों वायर में। ठीक है, तो आपको देख लीजिए 0.91 है, 0.89 हो गया, 0.88 हो गया। फट से इसको चेंज करके इसमें करते हैं 0.85 हो गया, 0.86, मतलब 0.02 एम्पियर का अंतर है, 0.086 हो गया। तो इसको लगाते हैं 0.89, वही दोस्तों, मतलब आपका 0.02 एम्पियर का अंतर है इस वायर में और इस वायर में। ठीक है, तो अब दोनों को क्या है, दोनों को शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। देखते हैं कितने कितना किधर से ज़्यादा करंट फ्लो होता है इसमें। देखिए तो आपको दिखेगा 0.6 एम्पियर जो है मोटे वायर से फ्लो हो रहा है, और 0.3 एम्पियर आपका, मतलब ये आपका एसी वायर से फ्लो हो रहा है। तो ये आपको एक रूल पढ़ाती है दोस्तों कि करंट लो रेजिस्टेंस पाथ को ही चूज़ करती है। तो मतलब इस वायर का रेजिस्टेंस कम है, तो इसी कारण इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है 0.6 हो रहा है, और सेम में ही आपका इसका 0.3 हो रहा है। ठीक है, तो ये आपको एक सीख मिली। चलिए इसको निकाल देते हैं, देखिए 0.63 से कितना हो जाएगा, वो 0.96। अभी धूप बड़ी होगी शायद, इसीलिए बढ़ गया है ये। देखिए सोलर पैनल धूप पड़ रहा है, अभी क्या है ठंड का दिन है तो ज़्यादा करंट नहीं उतारता, ये 1 एम्पियर हो गया। ठीक है, तो चलिए एक बार और टेस्ट कर लेते हैं, 1 एम्पियर है इसमें भी। देखिए 0.3 हो गया ना इधर, अभी इधर हटा देते हैं इसमें, 0.98 हुआ, मतलब वही 0.02 का ही अंतर है दोनों में। ठीक, वोल्टेज तो देख लीजिए दोस्तों, वोल्टेज में ज़्यादा अंतर है नहीं। ठीक है, देखिए इसमें भी 1 एम्पियर होने वाला था, ठीक 1 एम्पियर इसमें भी होने वाला था, 1 एम्पियर इसमें भी दिखा दे रहा है। देखिए 1.05 दिखा रहा है इसमें, और इसमें 1.04 ये भी हो गया। तो ये बार बार स्विचिंग में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि धूप भी क्या है दोस्तों, एक समान नहीं होती है। अब देखिए धूप थोड़ी सा तेज़ हुई है तो इसमें 1.1 हो गया। ठीक है, और तेज़ हो रही तो और बुरा है। तो सोलर में क्या है, हम फिक्स नहीं कर सकते, साइमल्टेनियस करने के लिए हमको 1.17 हो गया। अब इसमें टेस्ट करते हैं, 1.2 हो जाएगा। ठीक, 1.2 मान के फिर से टेस्ट करते हैं, 1.2, तो इसमें 1.24 दिखा रहा है। ठीक है, अब इस बार क्या करते हैं, मल्टीमीटर को एक्सचेंज करते हैं जैसा पहले वीडियो में किया था, मतलब इसको इधर लगाते हैं, ये मोटी वायर वाली है, 1.24 हो गया। और इसको करते हैं तो कितना आता है देखते हैं, तो चेंज होगा ये अभी। अब देखिए उल्टा हो गया, इसमें कम करंट आने लगा, इसमें ज़्यादा आने लगा, क्योंकि मोटा तार में रेजिस्टेंस कम है तो करंट हमेशा लो रेजिस्टेंस पाथ को ही सेलेक्ट करता है। और देखिए इसमें भी 1.32 हो गया, 1.33 हो गया। चलिए फटाक से इसको देख लेते हैं एक बार, ये भी हो गया 33, और आपका 1.34। ये क्या धूप है ना दोस्तों, ये एक जैसा रहता नहीं है, तो थोड़ा बहुत तो अंतर आ जाएगा,
1.35 है। और साथ में ये भी बता देता हूँ, इन दोनों मल्टीमीटर का भी हल्का सा डिफरेंस आएगा रीडिंग में, 1.38 हो गया। चलिए इसमें लगा के चेक करते हैं, 1.48 दिखा रहा। देखिए ये अभी ये जो है ये एसी वायर में लगा है, मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे सिर्फ मामूली सा, मामूली को भी नहीं बोलते, तो बहुत ही कम डिफरेंस है करंट का। देखिए 1. कितना था यहाँ दिखाते हैं आपको, 1.43 है। इसमें देखते हैं, इसमें भी 1.4, मतलब वही है, 0.02 एम्पीयर का ही आपको अंतर मिला। चलिए तो चलिए अब मैं इसका जो सोलर वायर जो मेरे पुराने वायर थे उसका मैं रेजिस्टेंस चेक करता हूँ कितना आता है। तो देखिए ये इतना मोटा वायर है, ठीक है, इसमें भी बारीक बारीक तार हैं, कॉपर की तार हैं ये। तो इसका मैं सिंगल सिंगल भी रेजिस्टेंस चेक करूँगा, साथ में इसका जब दोनों को पैरेलल कर दे, ठीक है, उस समय टेस्ट कराऊंगा। और एक टाइम जब ये सीरीज कर दे तो कितना रेसिस्टेंस आता है और उसका क्या परिणाम होगा वो भी मैं बताऊंगा आपको। तो चलिए पहले एक पीले वाले का रेसिस्टेंस चेक करते हैं। तो रेसिस्टेंस के लिए मैंने यहाँ पे रेसिस्टेंस में लगा दिया है, तो 200 ओम में है ये मैक्सिमम, इसका लिमिट मिनिमम इतना में ही हम नाप सकते हैं। तो इसमें पहले पीले वाले का करते हैं, इसमें इसके लिए हम इसके दोनों लीड को लगा देंगे, ठीक है, लगा कर दिखाते हैं आपको। देखिए दोस्तों मैंने पीले वाले वायर को लगा दिया है, ठीक है, अभी ये 4 मीटर के आसपास है, तो इसका ओम आ रहा है 0.8, ठीक है। तो जो मुझे मेरा जनसलर वाला वायर था उसका रेजिस्टेंस बहुत ही कम था क्योंकि वो मेजर ही नहीं कर पा रहा था, लेकिन इसका 0.8 ओम आ रहा है, ठीक है। इसका चलिए अब ग्रीन वाले का करते हैं। देखिए दोस्तों अब मैं ग्रीन वाले का लगा दिया हूँ, ठीक है, लीड में। तो अभी इसका भी 0.8 ही आ रहा है। अब मैं क्या करूँगा, दोनों ग्रीन और येलो एक में लगाऊँगा और उधर भी ग्रीन और येलो लगाऊँगा, मतलब आपको एक पैरेलल कर दे रहा हूँ, तो कितना वो मारा वो दिखाता हूँ आपको। चलिए दिखाते हैं, देखिए मैंने इसको कर दिया है ग्रीन येलो और इधर ग्रीन येलो, ये 0.67 हो रहा है क्योंकि जब मैं टाइट करूँगा ना तो ये 0.6 हो जाता है अच्छे से टाइट करने पे। तो इसका 0.6 ओम है ये। अब इसको मैं सीरीज करता हूँ, मतलब लंबाई इसका 8 मीटर कर देता हूँ, मतलब पीला इस साइड हटा के लंबा कर देता हूँ वायर, फिर देखते हैं। अभी देखिए दोस्तों ये मैं ग्रीन और येलो ग्रीन लगा दिया हूँ, अगर मैंने जोड़ दिया है, मतलब तार की लंबाई अब 8 मीटर हो गया लगभग। तो अभी ओम दिखा रहा है, 1 ओम दिखा रहा है, ठीक है। अगर इस तरह 1 ओम का रेजिस्टेंस लेंगे तो ये काफ़ी ख़राब ओम है दोस्तों, इतना रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए वायर का। तो ज़्यादा करंट वाले वायर में आप इसको यूज ना कीजिए। दोस्तों मैं आपको फाइनल वर्डिंग बताता हूँ कि मुझे क्या फ़ायदा हुआ कि नहीं इतनी मोटी वायर लगा के सोलर से, या ऐसे ही थोड़ी और मोटी ले लेते वायर तो भी काम चलता। देखिए ये वायर था आपको जैसे बताया 5 मीटर का है और ये इससे 1 मीटर कम है, तो मतलब जो आपका एसी वायर वाला वायर है ये 4 मीटर का हो गया और ये 5 मीटर का हो गया। आप करंट का देख रहे हैं डिफरेंस कितना है, 0.02 एम्पियर शॉर्ट सर्किट करंट, मतलब। और साथ में ये वायर थोड़ा वहाँ लूज कनेक्शन भी है, तो देखा जाए तो दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो मेरा मतलब कोई ख़ास मोटो मतलब जो है पूरा नहीं हुआ इस वायर को लगाकर। हाँ साथ में ये बता दें ये 4 मीटर का है, तो अगर ये आपका सोलर से आपका रूम यदि ज़्यादा दूर नहीं है तो आप एसी वायर भी यूज कर सकते हैं, कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। आप ये सस्ता, ये आपका 10 रुपये मीटर है, ये आपका कितना हो गया 80 रुपये मीटर, क्योंकि मैंने इसमें 410 रुपये में ख़रीदा है तो 82 रुपये मीटर हो गया, ये 82 रुपये मीटर जोड़ा और ये आपका 10 रुपये मीटर जोड़ा, तो 10 रुपये का माल और ये 82 रुपये का माल, ठीक है, करंट में जहाँ चेंजेस भी नहीं है। हाँ अगर इसमें करंट ज़्यादा फ्लो करेगा जब आपका मतलब सोलर पैनल
इसका मतलब ये हो गया 50 वाट के पैनल के लिए आपको ये सब वायर भी आप यूज कर सकते हैं अगर ये ज़्यादा बजट ना हो तो। बजट है तो फिर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लोड में चलाइए इस तार, इस तार को लोड में चलाना अच्छा रहेगा, डीसी लोड चलाइए तो ये सब तार आप यूज कर सकते हैं। सोलर के लिए आप जब ज़्यादा करंट हो 50 वाट से अगर यदि ज़्यादा है तो आप सोलर डीसी वायर ले सकते हैं, सोलर वायर, ठीक है। और मेन होता है करंट कितना फ्लो करना है, लंबाई कितनी है वायर। अगर यदि 2-4 मीटर का आपको और मैक्सिमम 4 मीटर तक का आपको यदि वायर चाहिए तो आप ऐसे वायर पे जा सकते हैं, बजट नहीं है तो। बजट एकदम नहीं है तो अगर जिन है थोड़ा वो तो आप लगा लीजिए सोलर वायर, अच्छा रहेगा। फ्यूचर में आप एक्सपेंशन कर सकते हैं सोलर का, ऐसे वायर में आप नहीं कर सकते एक्सपेंशन, एक्सपेंशन होगा ही नहीं उतना, ठीक है। तो सोलर एनर्जी बचाने के लिए अगर ये आप लगा सकते हैं तो सोलर वायर ख़रीद लीजिए, अच्छा ही रहेगा। चलिए यही बताना था आपको, धन्यवाद।